राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। जिन लोगों से सड़क गली में उनकी शक्ल देखकर लोग डरते हों, जिन्हें देखकर लोग सहम जाते हैं और जिनके बारे में सुनकर लोगों के मन में उनकी खूंखार छवि आ जाती है, ऐसे खतरनाक लोग यदि चूहों से डरें तो आप क्या कहेंगे। पर इन दिनों दमोह में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिनके नाम पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हैं, जिन पर खतरनाक अपराध दर्ज हैं, जिन्हें पकड़कर जेल में डाला हुआ हो, वो लोग चूहों से डर रहे हैं और वो भी कहीं और नहीं बल्कि जिला जेल में। ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन बीते एक हफ्ते से दमोह के जिला जेल में कैदियों और बंदियों की रातें जागते हुए ही गुजर रही हैं। उन्हें नींद तो आती है लेकिन उनके मन में एक डर बैठा रहता है और ये डर है चूहों का। दरअसल जिला जेल में इन दिनों चूहों का आतंक है और ये चूहे कैदियों और बंदियों को अपना निशाना बना रहे हैं। रात के वक्त सोते समय कैदियों को चूहे काट रहे हैं। बीते एक हफ्ते में आधा दर्जन कैदियों को चूहों ने काटा है, जिनका इलाज जेल प्रबंधन ने कराया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब दमोह जेल में बंद बंदियों से मुलाकात करने उनके परिजन गए तो बंदियों ने जेल के भीतर चूहों के आतंक की शिकायत की, जिसके बाद परिजन एक्टिव हुए और उन्होंने जेल प्रबंधन और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद जेल प्रबंधन हरकत में आया और चूहों के काटने से प्रभावित हुए बंदियों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इन बंदियों का इलाज करने वाले चिकित्सक बताते हैं कि चूहों के काटने के बाद जिन बंदियों को लाया गया उन्हें इलाज दिया गया है, खतरे की कोई बात नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर जेल में चूहे कहां से आए, तो इसके बारे में जिला जेल के उप अधीक्षक बताते हैं कि जेल परिसर का बड़ा हिस्सा पहले खाली और खेतनुमा था जहां चूहे रहते थे, लेकिन पिछले दिनों मैदान की जगह पर समतलीकरण करा दिया गया जिससे चूहे भी बेघर हो गए और उन्होंने जेल के अंदर का रुख कर लिया। जेल प्रबंधन भी चूहों से परेशान हैं। चूहों से निजात पाने के लिए उनके पास मात्र एक विकल्प है, उन्हें मारना, लेकिन बड़ी तादाद में चूहों को मारा कैसे जाए ये भी मुश्किल है, जिसके लिए चूहा मार दवा रखना सबसे आसान है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। इस दवाई का साधारण तरीके से रखना जोखिम भरा साबित हो सकता है, कहीं कोई बंदी इस दवा को ना खा ले वरना बड़ी घटना हो सकती है। लिहाजा सतर्कता के साथ जेल स्टाफ की निगरानी में चूहा मार दवा रखी जा रही है। बहरहाल जेल में चूहों के आतंक की यह कहानी अजीब है और देखना होगा कि आखिर कब तक जेल में बंद खतरनाक अपराधी चूहों के डर से मुक्त हो पाते हैं। देखिए क्या है, पहले बाहर खुला मैदान था, जंगल अंगल था, वहाँ चूहे थे। क्योंकि वहाँ समतलीकरण कर दिया गया है और पानी, अभी जैसे ही पानी बरसा है तो वो चूहे अपनी जगह ढूंढने के लिए जो बाहर उनके बिल थे या भर गए तो अंदर की तरफ आ गए हैं। बहुत काफ़ी चूहे हैं, 2-3 लोगों की शिकायत है कि साहब चूहों ने काटा। क्योंकि चूहों के कोई ऐसा नहीं कि काटने से खून निकला हो या कोई हो, मगर उसको सावधानी की दृष्टि से कि कोई बीमारी ना हो, इसलिए उनको हॉस्पिटल में अपने पास, यहाँ जेल में चूहों के काटने की कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसी कोई एंटीबायोटिक वो ना होने से हमने जिला अस्पताल भेजा था।
सेफ्टी की दृष्टि से। तीन चार दिन पहले तीन व्यक्ति और पहुंचे थे जिनको छोड़ने पाटा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी जब से ये पानी गिरा है तब से करीबन 10-50 चूहे अंदर आ गए हैं, और उनको दवाई भी अपन ओपन में नहीं रख सकते हैं कि उसका कोई बंदी दवा का सेवन कर ले, उससे नुकसान हो जाए। तो दवा रख रहे हैं हम लोग, चूहों की दवा रखी जा रही है, मगर उनको सावधानी पूर्वक रखते हैं। रात में जैसे ही 8-9 बजते हैं उस समय रखते हैं, और सुबह 4-5 बजे दवा उठा लेते हैं। तो और चूँकि पानी भरा हुआ है तो चूहों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अभी हाल। तो 3-4 मरीज ऐसी हमें जानकारी मिली थी कि दो तीन दिन पहले किसी को चूहे ने काटा था, फिर 2-4 दिन पहले फिर काटा है। क्या है, जो जहाँ बैरिक बने हैं वो बहुत पुरानी ये जेल है, 1856 करीबन की। तो यहाँ खपरेल है सभी जगह। अब चूहों खपरेल के कारण, चूहे खपरेल में घुस जाते हैं, और वो जब रात में बंदी सो जाते हैं तो उनकी जो खाने पीने की चीज़, बिस्किट नमकीन वगैरह जो लेते हैं कैंटीन से या फल फ्रूट होते हैं, उनको खाने की दृष्टि से वो आते हैं, और उसी दृष्टि से कुछ बंदियों को चूहों ने काट लिया होगा। कुछ नहीं, कुछ दो बंदी थे जिनको चूहों ने काटा हुआ था, सेकंड डोज लगना था उसके लिए बस आए थे, सेकंड डोज लगवाने। पेशेंट नॉर्मल है, जो उनका डोज रहता है 4 इंजेक्शन का, एक वो 0 को लगता है, 3 लगता है, 7 और एक 28, तो वो पूरा कवर करेंगे। कितने बंदे हैं? 2 बंदे। 3-4 दिन पहले 3 बंदे और आए हुए इसकी जानकारी में। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।